फ्लैगो, आप क्यों बुलाए यहाँ में? सीरियसली फ्लैगो, क्या हो गया? बोलो यमे, तुमसे हम कुछ आज इसको क्या हो गया? कुछ अजीब सा हरकत कर रहा है। कुछ तो बात होता होगा जो हमसे छुपा रहे। लेट्स सी फ्लैगो, क्या हो गया आपको आज? आपका बिहेवियर बहुत अजीब है। हम जब से आए तब से ऐसे हो रहे, और देखो ना आदमी लोग भी देख रहे। क्या हो गया बोलो ना, कुछ हुआ है क्या? बोलो ना फ्लैगो, क्या हो गया आपको, हुआ क्या है? I want to break up with you. तुम जैसे लड़की सारे रिलेशन में हमको और नहीं बैठना है। हाँ? हमको सब कुछ पता चल गया। अगर सही में देखा जाए तो तुम कहाँ और हम कहाँ, हम दोनों कभी एक नहीं होता है हमें। फ्लैगो, क्या पता चल गया? सब कुछ पता चल गया बोल रहे? लाइक व्हाट? पता चला क्या है उसको बताओ। देखो यामे, तुम्हारा कारण से हम अन्ना को छोड़ दिया। हमको इतना प्यार करता है वो, अपना सच्चा प्यार को हम टुकड़ा दिया, और तुम्हारा सब कुछ हमको पता चल गया। तुम उस रात एमएलए साथ होटल में था, उसको भी हम देखा है। हमको प्लीज झूठ बोलना छोड़ दो, हम तुम्हारे झूठ से तंग आ चुका है और हम नहीं सुन सकेगा। हमको बस ब्रेकअप चाहिए, ब्रेकअप। आई जस्ट वांट टू ब्रेकअप विद यू। इसका मतलब ये सब आना का कारण हो रहा है। उस गवार कमीनी टाइप वाली तुमको नहीं छोड़ेगा, उससे पहले फ्लैगो को उसका औकात दिखाना होगा। हेलो एमएलए साहब, अन्ना हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। हम माफ़ी मांगने का लायक तो नहीं है, पर भी हो सके तो हमको माफ़ कर दो। हाथ चोरो मेरा। अन्ना सुन लो मेरा बात, हमको कोई बात नहीं करना इस बारे में। चोरो
ड्राइवर कहाँ मर गया? गाड़ी जल्दी स्टार्ट करो। प्रिंसेस अभी तक सो रहे हो, जल्दी उठो, जाना है, आज मेरा दिमाग खराब है। वो कमीनी को तो आज नहीं छोड़ेगा। आना, आना। क्या हो गया? क्या हुआ? ओ, मैं भूल ही गई थी, मैं अभी अरुणाचल में हूँ। अब इसे अरुणाचली तरीके से समझाना होगा। तो सुनो, फ्लेगो हम दोनों अलग हुए इसका कारण सिर्फ तुम है। तो हम ये चाहते हैं कि तुम हम दोनों की जिंदगी से तुम अलग हो जाओ। देखो यम्मे, आप समझो, हम उसको बहुत प्यार करते हैं, हम बचपन से प्यार करते हैं उसको, हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमको बिल्कुल नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन हम खुश हैं कि वो मेरे पास वापस आ गया और हम दोनों साथ हैं। ओ, अब भी समझा। तो तुमको पैसा चाहिए? ठीक है, तुम जितना चाहिए बोलो, हम देगा। बोलो कितना चाहिए। अरे बोलो आना। देखो, आपको प्यार से बोल रहे, आपको समझ नहीं आ रहा है, हम प्लागो से बहुत प्यार करते हैं, हमको नहीं चाहिए आपका पैसा, आप अपना पास रखो, हम कभी नहीं छोड़ेगा उसको। आप अपना पैसा से सब कुछ खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, जो आप पहन के रखे वो कपड़ा खरीद सकते हैं, सोना चांदी जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं खरीद सकते और वो है प्यार, जो मेरा पास है। सो अपना पैसा अपना पास रखो और निकलो। तुमको यहाँ समझाने आया तो तुम कह रहे कि हमको निकलो। इसमें तुम नहीं समझे, इसमें तुम्हारा गलती मेरा गलती नहीं है। और एक बात, तुम बोला है हम प्यार को नहीं खरीद सकेगा, खरीद के दिखाएगा। प्लागो भैया, आज दिन में दो लड़की आया था, दीदी को बहुत क्या क्या बोल रहा था। अब नहीं पहचाना वो कौन था? नहीं अम्मे, ये लड़की फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम देने वाले मालूम हो गया, तो जाके बात करना पड़े। सुनो यम्मे, हम यहाँ ना घूमने आए हैं ना ही तुमको मिलने आए हैं, हम यहाँ तुमको समझाने आए हैं। समझाने? किस बात पे? बात जो ये है कि आज जो तुम अन्ना साथ बदतमीज किया हमको अच्छा नहीं लगा,
फिर से बोल रहे हैं तुम अना हम लोग लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अना हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी उसको बहुत प्यार करते हैं। तुम मेरा लाइफ से दूर हो जाओ। नहीं हो सकते ये। आई रियली लाइक यू। आना का बेटा तुमको क्या चाहिए बोलो, हम देगा उसको। बोलो एक बार बोल के देखो, बस उसको उसको छोड़ के। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, तुमसे बस प्यार ही तो मांगा था हम, वो भी तुमने दे पाए। तुम सिर्फ पैसा से प्यार करते, ऐसे लड़की सर हम नहीं बेच सकेगा। और प्लीज हम दोनों को लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ओ फ्लेगो, आराम से बैठो, बैठो ना, इतना भी क्या गुस्सा। गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है फ्लेगो, सुनो ना फ्लेगो, सुनो ना। ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, आज से आना हम दोनों के बीच में कभी मत आओ। और तुम आना को दोबारा परेशान किया ना, अंजाम बहुत बुरा हो। नीमा, तुम ये क्या कर दिया? हाँ नीमा, हमको पता है हम क्या किए और हम जो किए वो सही किए। आपको पता है वो मेरा बच्चा को मार दिया। इसीलिए आप उसको जेल भेज दिया। नीमा, तुमको सच में ऐसे लगते कि हम लोग का भाई हम लोग के साथ ऐसे करेगा? तुमको सच में ऐसे लगते कि वो तुम्हारा बच्चा को मार दिया होगा? सच है ना, उसने मेरे बच्चा को मार दिया। और ये हम सोच भी नहीं सकते कि मेरे भैया ही ऐसा करेगा। नीमा, तुमको सच नहीं पता, तुम गलत कर दिया भैया को जेल भेज के। तुमको सच जानना है ना, तो सच हम बताएगा तुमको। प्लागो, नीमा पता है भैया ये जो भी किया है सब तुम्हारे लिए किया है। जिस दिन तुम्हारा बच्चा जन्म हुआ था उस दिन वही हमको बोला था कि वो बच्चा को लेके दूर चला जाओ ताकि तुम अपना लाइफ फिर से अच्छा से स्टार्ट कर सको। वो सिर्फ इतना चाहता था कि तुम फिर से पढ़ो लिखो और अपना करियर बनाओ। वो बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि तुम अपना लाइफ खराब कर दो। और तुमको पता है भैया ना तुम्हारा बेटी का नाम भी रखा है। नाम रीमी है उसका नाम। तुमको याद है ना जब बचपन में भैया हम लोग को बोलता था कि लड़की लोग जो घर का लक्ष्मी होते हैं, और हम विश करते कि तुम्हारा बेटी भी हम लोगों के लिए बहुत लकी हो। नीमा प्लीज, अभी तुम भैया को जल्दी वापस लेके आ जाओ, अपना केस विथड्रॉ कर लो प्लीज। हो ना दूं मैं पाके तुमको आए यकीना खुद पे हमको, जैसे नदी को किनारा मिला मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला। क्या दिल में तेरे मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है। जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से। मॉम्स कैफे, विवेक विहार, यहाँ आ जाओ।
देखो तुम अपना पैसा से सब कुछ खरीद सकते, घर खरीद सकते, गाड़ी खरीद सकते, कपड़ा खरीद सकते, जब तुम पहना हुआ है सोना चांदी जो मर्जी चाहे वो खरीद सकते, बस एक चीज को छोड़ के और वो है प्यार, जो तुम्हारा पास नहीं है और मेरा पास है, तो तुम निकलो अपना पैसा लेके। अच्छा डायलॉग बोलने का बात है। टू एंड थ्री अगर हो सके तो तुम जरा मुझ में आने न दूंगा मैं तेरी आंखों में एक कतरा भी नहीं, जाने की कोशिश लाख करोगे मेरी नजर में हमेशा रहोगे, जाना मुझसे दूर यहाँ पे तो आ जाएगा तुम क्यों देखे हमें?